मदरसे में आधुनिक शिक्षा के साथ साथ एआई का जो कॉन्सेप्ट आया है उसको लेकर सरकार आगे बढ़ रही है। दानिश आज़ाद साहब हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, एआई का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ है, किस तरह से पढ़ाई शुरू हुई? आप लोगों ने इतना बड़ा कार्यक्रम किया था, उसमें शिक्षा विभाग के लोग भी शामिल हुए थे, तो किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश की हमारी योगी सरकार ने पूरी ईमानदारी से हमारे मुस्लिम नौजवानों की अच्छी शिक्षा और बेहतर भविष्य के लक्ष्य से काम किया है। 2017 के बाद से आप देखिए उत्तर प्रदेश के मदरसों की सकारात्मक तस्वीर हमने बदलने का काम किया। आज मदरसे का बच्चा दीन इस्लाम भी पढ़ता है और हमने एनसीईआरटी का कोर्स भी मदरसों में लागू करके मैथ, साइंस, कंप्यूटर से भी मदरसे के बच्चों को जोड़ने का काम किया। उससे एक स्टेप आगे बढ़ के जिस तरीके से डिजिटल क्रांति हमारे समाज में हो रही है, तो हमारे मदरसे का बच्चा भी उस डिजिटल क्रांति का सहभागी बने, इस डिजिटल क्रांति में कहीं वो पीछे ना छूट जाए, इस लक्ष्य के साथ हमने एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में भी मदरसों में बताने का, पढ़ाने की प्रक्रिया शुरू की। और निश्चित तौर पे बहुत इसका सकारात्मक रिस्पांस आया। मदरसे के बच्चों ने बहुत अच्छा इसका रिस्पांस दिया और बीते कुछ दिनों में 1 लाख से अधिक इसमें व्यूवर्स आए। हमारे टीम यूपी एआई, हमने एक वेबसाइट भी बनाई है जिसमें डेली हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े अलग अलग जो टॉपिक्स हैं उन टॉपिकों के बारे में भी बच्चों को बताते हैं, उनको जानकारी देते हैं। और निश्चित तौर पे हमारी योगी सरकार के सकारात्मक प्रयास, इस सकारात्मक पहल से हमारा मदरसे का बच्चा भी डिजिटली पावरफुल होगा। गैर मान्यता प्राप्त मदरसों में भी क्या ये पढ़ाई शुरू करवाई है आप लोगों ने? देखिए, ये पूरे उत्तर प्रदेश के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर टीम यूपी एआई में, और निश्चित तौर पर मुस्लिम समाज का नौजवान इससे लाभ ले, ये हमारा लक्ष्य है। ये ऑनलाइन ओपन प्लेटफॉर्म है, इससे कोई भी कनेक्ट हो सकता है। उत्तर प्रदेश की हमारी योगी सरकार ये मुस्लिम यूथ को एजुकेशन और एम्पावरमेंट से, उनके अपलिफ्टमेंट के नियत से काम करने वाली हमारी सरकार है। और जितने ईमानदारी से हमने काम किया मुस्लिम नौजवानों को डेवलपमेंट से जोड़ने के लिए, और उस हमारी ईमानदारी के प्रयास से एक आप पॉजिटिव रिजल्ट आप देखिएगा कि आज हमारे मुस्लिम यूथ है उसको अच्छी एजुकेशन, उसको बेहतर भविष्य की तरफ आगे बढ़ाने का जो हमारा प्रयास था वो सकारात्मक रहा और धरातल पे पूरी ईमानदारी से हमने सकारात्मक काम किए। आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जो विपक्ष के लोग हैं और तमाम कुछ ऐसे मौलवी हजरात, वो कहते हैं टारगेट किया जा रहा है मदरसों को, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, हम सकारात्मक भाव से मदरसों को टारगेट कर रहे हैं। हमारा टारगेट है कि मदरसे के बच्चों को हम डिजिटली पावरफुल करें, हमारा टारगेट है कि मदरसे के बच्चों को हम एजुकेशन वाइज और आगे बढ़ाएं, हमारा टारगेट है कि मदरसे के बच्चे या हमारे जो मुस्लिम यूथ है उसको हम रोज़गार से कनेक्ट करें। तो पॉजिटिवली टारगेट के साथ मुस्लिम यूथ को, मुस्लिम समाज को आगे बढ़ाने का हमारा जो ये लक्ष्य है, और इस पे जिस तरीके से हमने काम किया ईमानदारी से, उससे आज एक मुसलमानों के अंदर एक विश्वास हमारी योगी सरकार के प्रति बना। और तमाम कुछ विपक्षी दल बेवजह का मुसलमानों को कंफ्यूज करने की जो कोशिश उन्होंने लगातार उनकी रहती है वो भी अब नाकाम होती दिख रही है, क्योंकि आज मुसलमानों ने देखा कि सच्चे मायनों में, सही मायनों में अगर मुसलमानों को डेवलपमेंट से जोड़ने के लिए कोई काम कर रहा है तो हमारी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कर रही है। कुछ मदरसे के संचालक हैं वो खौफ ज़्यादा नज़र आ रहे हैं आपकी सरकार में अपने मदरसों को लेकर। देखिए, हमारे उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में किसी भी मदरसा संचालक है अगर वो सकारात्मक तरीके से काम कर रहा है, मुस्लिम यूथ को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा है, मदरसा शिक्षा के जो हमारे छात्र हैं उनके बेहतरी के लिए काम कर रहा है, तो उसको डरने की ज़रूरत नहीं है। हमारे उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सबका साथ सबका विकास के नारे के एजेंडे पे काम किया है और हमने हमेशा मुसलमानों को महफूज रखते हुए विकास से जोड़ने के लक्ष्य काम किया है। कुछ मदरसे हैं जो अच्छे काम नहीं कर रहे हैं, आपने कहा सकारात्मक? देखिए, हमारे उत्तर प्रदेश के जो हमारे मदरसे हैं, हमारे मदरसा बोर्ड से जो संचालित होते हैं मदरसे, हमने हमेशा उनको अच्छी शिक्षा प्रणाली से जोड़ने के लक्ष्य से काम किया है। हमेशा हमारे वो मदरसे के बच्चे, उनको बेहतर शिक्षा मिले, इस लक्ष्य के साथ काम किया है। और निश्चित तौर पे हमारे इन सकारात्मक प्रयास से वाकई एक सकारात्मक बदलाव धरातल पे दिख रहा है। नहीं तो क्या ये माना जाए कि जो लोग इस तरह से कह रहे हैं ये फिर क्यों डरे हुए हैं, क्या कुछ गलत काम किया? देखिए, कुछ विपक्षी दल हैं जो गुमराह करने की नाकाम कोशिश हमेशा मुसलमानों को करते हैं, और वो गुमराह इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने हमेशा मुस्लिम समाज को वोट बैंक के नज़रिए से देखा। लेकिन हमारी योगी सरकार ने कभी भी मुसलमानों को वोट बैंक के चश्मे से नहीं देखा है, मुसलमानों को डेवलपमेंट से जोड़ने के लक्ष्य से हमारी योगी सरकार ने काम किया है।
बातचीत के लिए शुक्रिया। दानिश आज़ाद अंसारी साहब ने साफ तौर पर कहा है कि जो लोग भी बेहतरी के लिए मुसलमानों के काम कर रहे हैं, जो अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, उससे मदरसों को खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं है। योगी सरकार मुसलमानों की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं और विपक्ष इसका पूरा प्रोपेगंडा तैयार कर रहा है। कैमरामैन हरिओम के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।